बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अगर ये गलती कर देते हैं तो लाइफ टाइम आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं ये गलती को। जितने भी टॉस के स्टूडेंट्स हैं एडमिशन में, अगर आप लोग नेम में या अपने पर्सनल डिटेल्स में चेंज कुछ भी जो है करेक्शन नहीं कर पाए हैं, रॉन्ग डिटेल्स लिख दिए हैं, तब आपका रिजल्ट के बाद जो मेमोस आ जाते हैं, लॉन्ग मेमो या शॉर्ट मेमो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अब उसमें जो है आप लोगों को मालूम हो जाता है जब आपके सामने आ जाते हैं ओरिजिनल्स, तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है कि मेरे नेम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या डैडी के नेम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फादर मदर में या डेट ऑफ बर्थ में या कोई भी पर्सनल डिटेल्स में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो अब क्या करें। तो यहाँ पे जो है टॉस की बोर्ड ऑफिस की तरफ से एक लास्ट चांस दिया गया है। अगर आपके ओरिजिनल्स मेमो में चाहे शॉर्ट मेमो, लॉन्ग मेमो या माइग्रेशन या टीसी जो भी रहें दो, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज कराना है तो आपके रिस्पेक्टेड जो भी आप इंस्टीट्यूट से एडमिशन लिए हैं, स्कूल से, कॉलेज से, वहाँ पे आप अपने हेड मास्टर को बोल सकते हैं 11 जुलाई 2023 से पहले या 11 जुलाई को आप लोग जो है उससे पहले या 11 जुलाई को आप लोग जो भी करेक्शन कराना है, एडिटिंग कराना है अपनी पर्सनल डिटेल्स ओरिजिनल मेमोस में से करा सकते हैं। डायरेक्ट टॉस ऑफिस को भी जा सकते हैं, LB स्टेडियम पे है, 10 AM से लेके 4 PM तक टाइमिंग है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, या आपके जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर है उनको भी आप बोल सकते हैं, वो भी आपकी जो है करेक्शन एडिटिंग करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस की तरफ से। तो ये बात याद रख लीजिए, अगर आप ये एक लास्ट चांस मिस कर देंगे तो आपको आगे जाके फ्यूचर में पासपोर्ट के लिए, कोई जॉब के लिए या फ्यूचर में कोई भी एजुकेशनल पर्पोज रहें दो, लोन पर्पोज रहें दो, बैंक से रिलेटेड रहें दो या फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड रहें दो, काफ़ी सारा आपको फ्यूचर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ट्रबल्स फेस करना पड़ेगा, आप आगे जाके डिप्रेशन में आ सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं। तो उससे बेहतर है आप लोग इसको मामूली बात मत समझिए, इसको लाइट मत लीजिए, इम्पॉर्टेंट दीजिए और ज़रूर देख लीजिए आपके मेमोस में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ करेक्शन है क्या, कुछ एडिटिंग कराना बाकी है क्या, या सब क्लियर है। अगर सब अच्छा है, सब क्लियर है तो बहुत अच्छा है, वरना इस बात को आप ज़रूर जो है इम्पॉर्टेंट लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए, सोशल मीडिया पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।